लाइन से ऐसा लगता है कि सर्जरी हो रही है। स्कूल का टल्ला उतार के निहारी खाने आए हो तुम लोग? मगर जल्दी जबरदस्ती निहारी आ गई है यहाँ पे। ओए ओए ओए। अभी जो चैलेंज होने वाला है ना, कौन जीतेगा हैं? कौन जीतेगा बॉलिंग? ये एक्स होने वाला है। ये लोग आ रहे थे और सब आपकी पूछ रहा था, तो दिखाने के लिए मैंने तस्वीर लगाया। मैंने भाई जिया भाई हमारे पास आया था। ओ ओ ओ हो, आने दे भाई, आने दे, आने। ओए हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ जिया तबारक और सर्दी हो रही है हल्की हल्की सी। सुबह का टाइम है, लेकिन ये जो धूप है ना सर्दी की, इसका मज़ा ही अलग है। आज हमारे दोस्त हैं अब्दुल मालिक फ़रीद, वो आ रहे हैं भाई कराची, तो हमने सोचा उनके साथ कराची की सड़कों को एक्सप्लोर किया जाए, उनको थोड़ा घुमाया फिराया जाए, कुछ स्ट्रीट फूड खाया जाए और जो कुछ हो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो फिर चलें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। कैसे हैं भाई मालिक भाई? सबसे पहले नाश्ता करते हैं क्योंकि आप माशाल्लाह रात की फ्लाइट लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल हैं, तो हलवा पूरी करें या निहारी से ही नाश्ता करें डायरेक्ट? मैं देखें, दिल की बात अगर बताऊं तो निहारी का मैं तो वो कहते नहीं घर से नियत करके, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची हुई है आज आपको टेस्ट कराने के लिए। चलें हलवा पूरी टेस्ट कर लेते हैं, हलवा पूरी चख लेते हैं क्योंकि अब धमतल की भी अच्छी है, आगे दिल पसंद की भी है। धमतल ज़रा हमारे दिल के करीब है, पुराना है, तो उसको चेक करते हैं। उसके बाद फिर जो है ना भाई को ज़रा निहारी कराते हैं, उसके बाद भी सिलसिला चलेगा ये इंशाल्लाह ताला। आज काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर चलें चलें। ये कौन सा चौक है जिया भाई? ये हम पहुंच गए भाई आयशा मंजिल। आयशा मंजिल, आयशा मंजिल के ऊपर ये धमतल जो स्वीट्स है ना, ये बहुत पुरानी है और इसकी जो हलवा पूरी है ये सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। वाह भाई, तो हल्की जगह लेके नहीं जाएंगे भाई, बिल्कुल। आ जाए आ जाए। सबसे पहले इनको लेकर आए हम नाश्ता करने के लिए धमतल पे, जहाँ पे हम खाएंगे हलवा पूरी, उसके बाद फिर निहारी वगैरह वगैरह। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना है आज के दिन में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये लाइन से ऐसा लगता है कि सर्जरी हो रही है। अच्छा ये आप देखिए, ऐसा लगता है यार ये माहौल में पहली बार देखा है मैंने कि 3-3 लोग एक साथ, उधर 3-3 लोग रोड जो है ना पूरियाँ लगा रहे हैं और 3 ही इधर यहाँ पर। ये तो अभी कम है, जब संडे वनडे होता है ना तो उस टाइम के ऊपर तो भाई। अब्दुल मालिक भाई हमारे मेहमान हैं, तो मैं रिव्यूज़ वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनको अभी होस्ट कर रहा हूँ। यही माशाल्लाह खाने वाने टेस्ट करेंगे। हम ज़रा बिहाइंड द सीन टाइप की वीडियो शूट कर रहे हैं और ज़रा डिफरेंट तरह का माहौल होगा इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। तो दोनों जगह पे आपको वीडियो नज़र आएगी, यहाँ पे आपको अलग एंगल से नज़र आएगी, यहाँ पे आपको अलग एंगल से नज़र आएगा और साथ में रिव्यू भी होगा। यहाँ पर आपने पूरी मंगवाई है, पूरी और ये क्या था? तरकारी, तरकारी, हलवा, अचार, हलवा और अचार। ये हमारी पूरी है। क्या खस्तगी है इसके अंदर, वाह ज़बरदस्त। पता है धमतल क्या है? मतलब धमतल बेसिकली नारोवाल के करीब एक गांव है। अच्छा। और जो इसके ओनर है ना चाचा जी, वो अभी है नहीं, वो उसी गांव के हैं। अच्छा। उन्होंने छोटे से ये शुरू किया तो माशाल्लाह ये अब एक पहचान है आयशा मंदिर की। धमतल जो है ना ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। चने दमदार हैं, बहुत ज़बरदस्त। थोड़े स्पाइसी लगे होंगे आपको मेरे ख्याल में। हाँ नहीं, लेकिन मैं स्पाइसी खाता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा दिया है। ये क्या आलू से बनाते हैं तरकारी? आलू, ठीक, आलू की तरकारी, कलौंजी वगैरह भी होती है इसमें। मज़ेदार। अच्छी बात इन दोनों में ये है कि दोनों का टेस्ट डिफरेंट है। हलवा पूरी जिस चीज़ से फेमस है, हलवा पूरी, तो पूरी को हलवे से ज़्यादा देर जुदा नहीं रख सकते। हलवे का कलर बहुत खूबसूरत है, इसमें लेवल का हलवा है, बहुत ज़बरदस्त। पहला नाश्ता 100 में से 100। हाँ भाई, धमतल की हलवा पूरी तो हमने खा ली, बहुत ही मज़ेदार थी। और यहाँ से अभी हम आगे जाएंगे कहाँ पे? जावेद निहारी पे, क्योंकि फ़रीद भाई को ज़रा जावेद निहारी खिलानी है। और अगर आप लोगों ने धमतल की मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक ऊपर आ रहा है, वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो इनके ओनर हैं उनसे भी मेरी काफ़ी डिटेल में बड़ी मज़ेदार बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। जो पुरानी इनकी दुकान है, रेस्टोरेंट है, वो बिल्कुल करीब ही है, दस्तगीर में ही है। इनकी सेकंड ब्रांच भी हो गई है बहादराबाद में। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि हम लोग जो चीज़ खाएं ना उनकी पुरानी दुकान से जाकर हमारे जहन में दो निहारी आ गया। अच्छा आ गया। आपने पहले खाई है जावेद निहारी? नहीं नहीं खाई ना। कराची की मैंने कोई निहारी नहीं खाई। कराची में 4-5 निहारियाँ मशहूर हैं और जावेद निहारी टॉप ऑफ दी टॉप में आती है। तो हम नाश्ता करके थोड़ा अर्ली आ गए। हाँ क्योंकि अभी लंच का टाइम, प्रॉपर लंच का टाइम नहीं हुआ है, 12 बजे है। क्योंकि लंच के टाइम पे यहाँ पे डिफरेंट ही सीन होता है और रात में तो आप सोचें कि अलग ही सीन है भाई। स्कूल का टल्ला मार के निहारी खाने आए हुआ तुम लोग? अच्छा कैसा हुआ पेपर? मुझे लग रहा है अच्छा हुआ जब भी पार्टी हो रही है। भाई हम आ गए अपने सेकंड नाश्ते पे। माशाल्लाह मगज नली ज़बरदस्ती निहारी आ गई है यहाँ पे। मैं आपकी बड़ी फैन हूं आपके। सर हम आपके वीलॉग्स देखते हैं। नहीं बहुत शुक्रिया। हमारे एक दोस्त आए हुए जरा बाहर से तो हम उनको जरा एक्सप्लोर करवा रहे हैं उनके साथ, उनको जरा। सर आपने इतना कर दिया, अभी भी कुछ रहता है एक्सप्लोर करने के लिए? अभी हम आपको खिलाएंगे प्रॉन बिरयानी। बिरयानी तो कराची की पहचान है। बिल्कुल चिकन और बीफ बिरयानी ये चीजें तो खाई थी, नली बिरयानी खाई थी आपके साथ ही। लेकिन क्योंकि अभी सर्दी का सीजन है और सर्दी में आई है प्रॉन बिरयानी। वो आप चेक करिएगा भाई जरा। सलाम वालेकुम सिराज चाचा, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से, मजे में है? जबरदस्त बिरयानी जबरदस्त चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे दोस्त हैं सऊदी अरब से आए हुए, तो हमने कहा भाई प्रॉन बिरयानी ज़रा चेक कराएं आपको। क्या हाल है भैयान? माशाल्लाह चूल्हे बढ़ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए 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 क्या यहाँ से धुआं निकला है भाई, क्या बात है। ये फिश है, ये मैं थोड़े दिन पहले आया था यहाँ पे बिरयानी टेस्ट करने के लिए, प्रॉन की, फिश की भी, प्रॉन की भी। और अभी भाई अब्दुल मालिक फरीद भाई को हम लेकर आए, ज़रा माहौल देखते हैं। रास्ते से आ गई भाई, आ गई बिरयानी आ गई। पहले मैं आया था रात में, अभी मैं आया हूँ दोपहर में। प्रॉन बिरयानी खुल गई है सबसे पहले भाई साहब माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें वाह, ये प्रॉन है, देखें अच्छा साइज है माशाल्लाह प्रॉन का भी। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। ये बात है यार, वाह यार क्या बात है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गया हमारा ऑर्डर भाई, ये आ गई भाई बिरयानी। ये है हमने खानी, प्रॉन बिरयानी भी है, पाए भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा ये भी ट्राई करें, लेकिन ख़ास तौर पे मेरे लिए जो स्पेशल है, जिस चीज़ पे मेरी नज़र जा रही है, हट मेरी नज़र, वो है प्रॉन बिरयानी। और भाई इंतज़ार नहीं होता, बिस्मिल्लाह करें मिक्स करके खाएँ मसाले में तो फिर मज़ा आता है ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झींगे का जायका भी आ रहा है और बिरयानी के जो अपने मसाले फील होने चाहिए वो भी मुकम्मल आ रहे हैं। और कुछ जगहों पे और भी बिरयानी, झींगा बिरयानी बनती है, उसको क्या करते हैं कि झींगे ऊपर से डाल देते हैं, क्योंकि झींगा बहुत नरम होता है ना एक चीज़, तो वो घुट जाता है। लेकिन इसकी टेक्निक यही है कि ये जो बनाते हैं वो झींगे और मसाला और चावल सब एक साथ होते हैं, तो चावलों में भी जो है ना वो झींगे का जायका आ जाता है, तो वो बड़ा मज़ेदार एक फ्लेवर बनता है। भाई बिरयानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ और भाई को भी लेकर आया हूँ। लेकिन फ़ारूक भाई एक मैं आपसे चीज़ शेयर करूँगा, मेरी वीडियो के ऊपर यहाँ बहुत अच्छे कमेंट्स आए, वहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए, और उसमें ये चीज़ आई कि भाई हमें मज़ा नहीं आया और बैठने की जगह जो थी वो ऐसी थी और ये थी वो थी। तो उस पर मैं एक बात पहले से कह दूँ कि भाई मैंने अपनी वीडियो में भी मैंशन किया था कि ये कोई बहुत फाइन डाइन रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक आपको पता है कि एक लोकल सी जगह है, यहाँ से बिरयानी आप पार्सल लेके जा सकते हैं। लेकिन जो हाइजीन के ऊपर लोगों ने बात की है, उसके ऊपर आप कुछ अपना बताइए भाई कि हाइजीन भी वैसे ज़रूरी है। ये हमारा जो रेस्टोरेंट है ये जैसे आम दाल फ्राई सब्जी निहारी उस स्टाइल के रेस्टोरेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खाने जो है आपको ये हाई फाई रेस्टोरेंट के मिलेंगे। भाई खाने का इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ ना तो खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली कराची में हर तरह के इलाके हैं, हर तरह की जगह हैं, और नली बिरयानी भी हम खाने जाते हैं ना तो वहाँ पे भी गाड़ी अंदर नहीं जाती, वहाँ भी उतर के जाना पड़ता है। जो हाइजीन है, जो सफाई सुथराई है, उसका ना सिर्फ रेस्टोरेंट वालों को बल्कि यहाँ पे जो वर्कशॉप्स हैं, जो रिहायशी हैं, जो गली मोहल्ले वाले हैं, उन सबको ख्याल रखना चाहिए कि भाई अपने मोहल्ले को, अपने गली को, अपनी दुकानों को साफ़ रखें ताकि ओवरऑल जो देखने वालों को जो इम्प्रेशन है ना वो भी अच्छा इम्प्रेशन जाए। तो भाई इंशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ भाई, प्रॉन बिरयानी खा के हमने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि भाई पूरी रात की फ़्लाइट लेके आए हुए थे और अब हम आ गए हैं ज़रा कुछ बॉलिंग करने के लिए, कुछ खेल कूद करने के लिए, क्योंकि खाना हज़म तो हो गया है लेकिन आगे जो चीज़ें ट्राई करनी है उसके लिए जगह बननी चाहिए, जगह बननी ज़रूरी है। लेकिन अभी जो चैलेंज होने वाला है ना, कौन जीतेगा है, कौन जीतेगा बॉलिंग, बॉलिंग वो वाली, वो वाली नहीं। यीशु भाई कैसे हैं आप? ठीक है जिया भाई, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, सब कुछ है। मैं ये नहीं चाहता कि एंड पे आप कहें कि आप मेहमान थे इसलिए मैं हार गया। ठीक है ना, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोले, ज़्यादा बड़े बोल नहीं, बड़ा हो या छोटा हो गेम के अंदर कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। बस ये तो पहले ही फुल है। अरे 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आप हल्का नहीं लेना, हल्का नहीं लेना। नो मुकाबला सख्त है, ये बेमानी हो गई है, कंप्यूटर बेमानी कर रहा है। ये एक्स होने वाला है, ये अच्छा है, ये अच्छा था, ये फिर से एक्स, फिर भी अच्छा है, अच्छा गया, अच्छा गया। सेंचुरी हो गई भाई की, बहुत बहुत मुबारक हो मालिक भाई आपको। थैंक यू, थैंक यू। यही तो शॉट मैंने जानबूझ के मिस कर दिए थे, वरना जीतना मुझे ही था। बिल्कुल वही, मेहमान हो ना इसलिए। अब हम जा रहे हैं भाई प्रॉन कढ़ाई खाने, क्योंकि भाई मेरी जीत की खुशी में प्रॉन कढ़ाई, सी फूड के ऊपर जोर है, प्रॉन कढ़ाई और फिश, और उसके बाद फिर आगे हुसैनाबाद भी चलेंगे। आ जाए हाँ भाई, पहुंच गए हम हसन स्क्वायर, और हसन स्क्वायर पे पिछले दिनों मैंने यहाँ पे गरीम उस्ताद की खाई प्रॉन कढ़ाई, तो फरीद भाई आपको और टेस्ट करनी पड़ेगी। ज़रूर ज़रूर। क्या हाल है उस्मान भाई, ठीक है आप? खैरियत से, मज़े में? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नया आइटम बनवाया ये मसाले में, आपके लिए खास दावत के लिए करीम उस्ताद ने शाही फिश बनवाया है। अच्छा, शाही फिश करीम उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। ओहो ये देखो भाई, ये क्या सीन बना हुआ है, ये तस्वीरें लगी हुई यहाँ पे, ये चेक करें भाई आप। तो करीम भाई ये तस्वीरें क्यों लगा दी आपने? भाई लोग आ रहे थे और सब आपकी पूछ रहा था, हाँ। तो दिखाने के लिए मैंने तस्वीर लगाया, मैंने भाई जिया भाई हमारे पास आया था और इन्होंने सबको इन्वाइट किया। मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले वीडियो बना के गया था, तो उसके बाद मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पे ये तस्वीरें भी लगी हुई है मेरी। ये देखो मसाला माशाल्लाह। करीम उस्ताद हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है, बिल्कुल तैयार हो रही है आपकी कढ़ाई, स्पेशल कढ़ाई, स्पेशल कढ़ाई और आपके फेवरेट कढ़ाई। अच्छा ये क्या है? ये शाही तंदूरी, ये हमारे लिए बन रही है, बिल्कुल नहीं करो यार। और जितना भी लोग आता है, जितना भी लोग आता है सबका आपका नाम 90% बंदा लेता है। जिया भाई ने हमें भेजा, भाई जिया भाई ने हमें भेजा है। अच्छा, उनकी रेफरेंस है। आपके एक सिस्टर भी आए थे मेरे पास। मेरी सिस्टर? जी। ये जो मेरी जो कह रही थी मेरी सिस्टर है, वैसे तो कराची में रहने वाली तमाम ही मेरी सिस्टर्स हैं, लेकिन आपको अगर कोई मेरी सिस्टर आएंगी ना तो मैं खुद फ़ोन करके बता दूंगा, सही है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। प्रॉन कढ़ाई तैयार हो रही है, बहुत ज़बरदस्ती भूख चमक गई है कि नहीं? हो 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 हो, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है, 120 लेवल। आपकी वीडियो के तसलसल से देखने के बाद जो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माय नाज हस्ती नदीम साहब भी आए यहाँ। अच्छा नहीं है? हाँ वो भी यहाँ आए और उन्होंने मुझे वाजिया ये कहा, नदीम साहब तो लेजेंड है भाई, सरकार उनको देखना समझे एक किस्म का बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है इंसान के लिए। मैं उनके पास ऊपर गया बैठा, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अचानक और हमारे गरीब खाने में तशरीफ़ आवरी। बोलता है दरअसल मैंने यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी थी। मैंने कहा यूट्यूब पर सर कहते जो जिया तबरक साहब हैं यूट्यूबर? नहीं भाई, जानते हो मेरा नाम? नहीं वाजिया उन्होंने बोला भाई कि ज़िया तबरक साहब की चैनल पे मैंने वीडियो देखी और उसी टाइम मैंने ये इरादा कर दिया कि मैं फ़िश खा के आऊँगा और बहुत खुश होके गए वो यहाँ से। नदीम साहब हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हैं और वो अगर मुझे नाम से जानते हैं तो मेरे लिए भी एक बड़ी कुछ आपका चैनल देख की बात है। अगर यहाँ आते हैं और नॉमिनेट करते हैं तो माशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच भाई, आप सभी लोगों का, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, आम लोग हों, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए और मोहब्बतें दिखाते रहिए, बांटते रहिए। क्या बात है, गरीब उस्ताद स्पेशल ले आए, मुझे लग रहा है हमारे लिए हैं, तो वही निकल के आ रहे हैं ना। जो क्या है झींगा कढ़ाई आपका फेवरेट कढ़ाई, ये शाही फिश बनाया आपके लिए मैंने खास, शाही फिश हमारे लिए खास। ये प्रॉन है, शानदार ट्रीटमेंट हो रहा है माशाल्लाह शाह साहब। अच्छा अरे ये प्रॉन आ गए भाई, ये प्रॉन ग्रिल्ड प्रॉन, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तंदूरी फिश है, बिल्कुल तंदूरी फिश भाई लाए तो हम भाई को प्रॉन कढ़ाई के लिए थे खास तौर पे, लेकिन शाही फिश भी आ गई और ये ग्रिल्ड प्रॉन भी आ गए यार। ये बिस्मिल्लाह इससे करनी चाहिए, मैं भी यही कह रहा हूँ। इधर से मैं उठाता हूँ, भाई ने ग्रीन वाले उठाए, मैंने ग्रीन वाले मसाले वाले, भाई ने ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह। जी खटास है, मिर्च मसाला बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी नेक्स्ट लेवल है यार, बहुत मज़ेदार भाई। ये तंदूरी फिश के अंदर जो है ना क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर बादाम डाला हुआ, चीज़ डाला हुआ है और हरा मसाला डाला हुआ है। चीज़ भी डाला है फिश में, हल्का सा भरा है ना। अच्छा एकदम जूसी निकलेगा, क्या बात है, बहुत ये चीज़ का शेफ आ गया। भाई ये आइटम जो है ना, ये तो मेरे लिए भी नया आइटम है। मछली अच्छी है, हीरा मछली जो है ना अपने तौर पर वैसे भी बड़ी मज़ेदार होती है। थोड़े इन्होंने बादाम कट करके इसके अंदर डाले हुए हैं, ये भाई डेढ़ घंटे में ये तैयार हुई है। और ये फ्लेवर बड़ा यूनिक फ्लेवर है जो मैंने पहले टेस्ट नहीं किया। प्रॉन कढ़ाई पे आने से पहले ये चेक करें ज़रा आप जो है ना, ये फिश बिस्किट दिए हुए इन्होंने, फिश बिस्किट बोनलेस। ओह इसमें नहीं है बिल्कुल, उसमें वो नहीं है, हड्डी बिल्कुल नहीं है ना, बहुत मज़ेदार। तो ख़वातीन और हजरात, जिसका था इंतज़ार आ गया वो शहकार। और ये प्रॉन कढ़ाई, इसके ऊपर जो है ना मुझसे नहीं रुका, मसाले बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। इस प्रॉन कढ़ाई का जो मसाला है ना, खाली मसाला ही इतना मज़ेदार है कि प्रॉन नहीं भी हो तो वो मसाला ही इतना प्रॉन जो है ना वो ऐड ऑन है उसमें। मालिक भाई जी, हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पे हम पहुंच गए। इससे पहले नहीं आए ना आप? नहीं नहीं, इससे पहले वो बंस रोड पे गया था, वो भी तब जब बंद था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी फुल तो हुए हैं हम, लेकिन आपको हम एक आध कुछ खास जगह पे लेके चलते हैं। अब हम पहुंच गए हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट, और ये फूड स्ट्रीट जो है ना वो बंस रोड के बाद समझेंगे सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट। बड़ी तो शायद ये अभी भी हो, लेकिन बंस रोड के बाद सबसे पुरानी जो फूड स्ट्रीट मानी जाती है ना वो ये वहाँ से शुरू होती है, करीमाबाद के पास से, और आगे तक चली जाती है। यहाँ पे आपको तरह तरह की जो आप सोचेंगे ना खाने का आइटम, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और पीने का भी यहाँ पे मुझे लग रहा है, नहीं ये भी खाने का ये हाँ ये बहुत सारे कामों में आता है। भाई आप अपने अब्बा जी के साथ यहाँ पर मत आना, खास तौर पे कोई शरारत करने के बाद। वो देखिए गरम गरम गुलाब जामुन बन रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? चले यार दो ट्राई करेंगे गुलाब जामुन। क्या क्या गुलाब जामुन तो दे, एक एक पीस देना भाई, एक प्लेट बनो। हाँ एक प्लेट में कितनी आती है? 3 पीस आते हैं बड़े वाले। हाँ 3 ही कर दो। कितने की प्लेट है? 100 रुपये की। 100? हाँ, क्या बात है क्या बात है, चमचे हैं यार, वाह प्रेजेंटेशन बहुत आला है भाई, बहुत खूबसूरत यार। आप तो बड़े शौक वाले आदमी हैं। लकड़ी का चमचा, मट्टी का बर्तन, मट्टी का बर्तन, और गरम गरम गुलाब जामुन, वाह जी वाह। बिस्मिल्लाह। वाह हो हो भाई वाह यार, ये तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, इसकी पूरी फील ही अलग है। मट्टी का प्याला, लकड़ी का चमचा, जबरदस्त, क्या बात है। शीरे के अंदर डूबी हुई गुलाब जामुन, ये जो है ना आप जुल्म कर रहे हैं फूडीज के साथ, देखने वालों के साथ ये जुल्म है। एक 2 बार और खिलाएं ना उसको। ये तो होगा ये तो होगा। चले भाई आगे जरा कुछ और स्ट्रीट फूड जरा चेक करते हैं। बड़ा मजा आ रहा है यार, एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे दोस्त हैं अब्दुल मालिक फरीद। कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है। अच्छा यहाँ नजर आ रहे हैं हमें चाट गोलगप्पे वगैरह, क्या बात है। ये देखें भाई, इधर वो मीठे वाले भाई हैं, वाह। ये बन रही है सर्दी की सौगात, ये देख रहे हैं आप, ये गरम गरम गुड़ की पट्टी ये जो है ना ये भी इन्होंने इसमें बनाई। अब इसको स्लाइस कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। बाल बड़े बड़े कीजिए भाई, आइए भाई, आइए भाई। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से है। इसको कहते हैं गुड़िया के बाल, कॉटन कैंडी। ये भाई बचपन की सौगात है। ये देखिए आप, ये चीनी डली, ये चीनी गई इसमें भाई। आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई। ये गुड़िया के बाल बन रहे। कितने के चाचा गुड़िया के बाल? ये देख, ये 30 का है, ये 50 के दो है। वाह यार, गुड़िया के बाल, वाह जी वाह। ये देखो भाई, ये आ गए गुड़िया के बाल। ये ले चाचा, ये ले, ये रखे मालिक भाई, ट्राई करे। ताज़ा ताज़ा, ताज़ा ताज़ा गुड़िया के बाल ले। हुसैनाबाद के ऊपर जमजम फूड से थोड़ा पहले ये चाचा कोने पे खड़े हुए हैं। तो भाई जब आप खाने पीने निकले तो इस तरह के ठेलों के ऊपर, छोटे वेंडर्स के ऊपर 30 रुपए के, 50 रुपए के ये हैं, इनको सपोर्ट करना, इनसे कुछ लेके खाना। मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह चाचा जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अब हम पहुँच गए हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके जमजम फूड के ऊपर, और इनके पास बहुत सारी वैरायटी है खाने पीने की। देखते हैं यहाँ पे हम क्या उनमें से कुछ चीजें ट्राई करते हैं। किस चीज का है ये? पुलाव है। पुलाव है। पुलाव आ गया भाई, पुलाव। पुलाव का पतीला आ गया भाई, आ गया पुलाव, आ गया पुलाव का पतीला, आ गया पुलाव का पतीला, आ गया। हाँ, क्या बात। ये क्या आया भाई हमारे पास? फिश प्लेटर आ गया भाई। ओहो हो, ये है पुलाव प्लेटर, ये है मलाई ड्रम स्टिक, ये है टिक्का ड्रम स्टिक, और ये इनका फिश प्लेटर है। तो आज सी फूड पार्टी तो है, तो एंड भी जो है ना, एंड भी जो है वो सी फूड के ऊपर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ग्रिल्ड फिश है। बिस्मिल्लाह। मुलायम, गरम, बहुत ज़बरदस्त। ये फिंगर वाली ट्राई करें, आधी आधी करते हैं दोनों भाई। हाँ, ये फिंगर फिश भाई, ये है जरा लाहौरी स्टाइल की फिश। ये जरा लाहौरी स्टाइल की वाली। ये राइस जो है ना, ये मक्खन में बनते हैं। मक्खन में? ये राइस जो है वो मक्खन में बनते हैं। बहुत ही आला राइस है। आप इनको बगैर किसी चीज़ के वैसे ही ट्राई करें। चलें जी, बिस्मिल्लाह। फिश के अंदर जो है ना वो उन्होंने राइस के साथ सर्व किया है, तो थोड़ा सा उसी टाइप का इन्होंने इसका मसाला रखा है। बहुत फ्राइड फिश वाला टेस्ट नहीं है, बल्कि चावलों के साथ जो है ना वो बड़ा अच्छा इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे साथ। और ये ज़्यादा आपको, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जलन वगैरह फील हो रहा है आपको। बहुत तेज़ मसाले नहीं है, तेज़ मसाले नहीं है। और जब साथ में थोड़ी सी मछली हो, ओहो, क्या बात है। ये भाई हमारे लेग पीस लें जी भाई, टिक्का ड्रम स्टिक कह लें। टिक्का ड्रम स्टिक, क्या बात है भाई, मज़ेदार है। मसाले बड़े ज़बरदस्त इस पर लगे हुए हैं, बड़े बैलेंस्ड हैं मसाले, है मज़ेदार। हाँ, उसकी क्वालिटी देखें आप। और पुलाव के चावल निखरे निखरे, खिले खिले, वाह। ये चीज़, और एक स्पेशलिटी है नली। हाँ, ये जो नली का दूधा निकलता है, हाय हाय हाय। बिस्मिल्लाह भर के निकाल दें इसको, फिर कोशिश करते हैं भाई। हाँ, बिस्मिल्लाह कोशिश करते हैं। आने दे भाई, आने दे, आने। ओए हाय 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 हाय, हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया, हो गया भाई। अच्छा, मैं एक बार और रिमाइंड करा दूँ भाई कि नली जो है ना वो बिरयानी और पुलाव के साथ आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। हम तो भाई सब कुछ खाते हैं। चलें भाई, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। ये थोड़ा सा मैंने नली का गूदा भी लगा लिया है इसमें। हाँ हाँ, चलें बिस्मिल्लाह। तो गरम मसाले की खुशबू, पतीला आते ही जो ढकना हटा था और जो खुशबू आई थी ना, वो भी पहली बाइट लेते हुए भी आई है। टॉप पे घूम गई है भाई। खाने की वैरायटी तो जमजम फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हम सुबह से निकले हुए हैं और मुख्तलिफ आइटम खाते हुए आ रहे हैं, तो इख्तिताम हमने जो है ना थोड़े दो हैवी प्लेटर्स के ऊपर कर दिया है माशाल्लाह। सी फूड तो आज चल ही रहा है, और एंड में जब ऐसा सी फूड प्लेटर आ जाए तो फिर क्या ही बात है। ज़बरदस्त जो एक्सपीरियंस रहा ना, बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार। ख़ास तौर पर कराची के कहते हैं ना कि कोर खाने, वो खाने को मिले भाई के साथ। तो थैंक यू यार, नहीं आपने जो खाने खिलाए, घुमाया फिराया, बहुत इन्जॉय किया। नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा आएँ कराची, इंशाल्लाह फिर और चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। यही तो मज़े हैं भाई हमारे। आप जैसे भाई हो तो कोई टेंशन नहीं। भाई इतने सारे हैवी ड्यूटी खाने खाए हैं तो उसके बाद हाजमा भी तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल। और उसके लिए हम पहुँचे हैं जमजम लिमका, क्योंकि भाई आए जमजम के शहर से। माशाल्लाह, कैसे भाई जान आप? ठीक है, खैरियत से है, मज़े में है? बना रहा हूँ मैं जमजम पावर। जमजम पावर ये कौन सा है भाई? जमजम पावर भी आ गया हमारे। ये पावर वावर नहीं बनाओ यार, नॉर्मल वाला बना दो। अभी हमने खाना वाना खाया, बहुत पावर आ गई है। भाई हैवी काम मत करना, खास तौर पे आप सारा इंशाल्लाह हाजमा कर देगा। ये क्या चीज़ आने लगी है भाई? ये हमारा अदरक का पेस्ट है। अदरक का पेस्ट, ओ हो। ये आपने जो हैवी खाना खाया वो सारा खिले कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा, दवा हम देंगे। ये देखो भैया, ये देखो, ये आ गया पुदीना। ओ हो। यार ये कोई बहुत ही अलग आइटम चीज बना दी है भाई ने। चले भैया, आ गया जमजम पावर। बिस्मिल्लाह। ओए 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 भाई, क्या डाल दिया इसमें? है बड़ा जबरदस्त फ्लेवर है इसमें, समझ नहीं आई चीज क्या है, लेकिन है मजेदार। माहौल बन गया। हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत ही आला माहौल भाई, भी बहुत अच्छा, टेस्ट बहुत आला। और आज दिन भर में बड़ा मज़ा आया अब्दुल मालिक फरीद भाई के साथ मुख्तलिफ खाने खा के, और मुझे खाने खिला के एक ही बात है, खाया भी खिलाए भी, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और भाइयों को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।